नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित केआरटी आर्ट्स बीएच कॉमर्स एंड एएम साइंस अर्थात केटीएचएम कॉलेज नासिक, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, कक्षा एमए द्वितीय वर्ष, सेमिस्टर 3, प्रश्न पत्र क्रमांक 10, भाषा विज्ञान। आज हम भाषा का परिचय देखने वाले हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी आपको इस विषय से अवगत कराने वाला हूं। आपने बीए द्वितीय वर्ष में भाषा का परिचय देखा है, उसे ही आज पुनरावृत्ति के आधार पर देख रहे हैं। एमए भाग 2 में हमें भाषा से आगे बढ़ते हुए भाषा विज्ञान इसकी जानकारी प्राप्त करना है और सूक्ष्मता से भाषा के बारे में, विज्ञान के बारे में देखना है। तो इसलिए सबसे पहले पुनरावृत्ति के आधार पर एक बार भाषा किसे कहते हैं यह देखते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना। विश्वकोशों में भाष धातु लिखा हुआ है और उसका अर्थ दिया हुआ है कि बोलना। सीधे अर्थ में कहे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्द में जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके उसे भाषा कहते हैं। और आसान परिभाषा देना हो तो एक मनुष्य बोलता है, अपने विचार भावों को अभिव्यक्त करता है, दूसरा व्यक्ति वैसे ही भाव विचारों को ग्रहण करता है। यह जो माध्यम है वहन ज्ञान का करने वाला उसे भाषा कहते हैं। भाषा के बारे में एक परिभाषा देखते हैं हम। आचार्य शर्मा जी ने वह इस प्रकार बताई हुई है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेतों की प्रणाली को भाषा कहते हैं। अब इस परिभाषा में और सूक्ष्मता से देखें, हर शब्दों के बारे में देखें तो वह इस प्रकार है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से मनुष्य अपने वाग अवयवों से जो ध्वनि संकेत उच्चारित करता है वह भाव और विचारों की पूर्ण अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय का सहयोग करते हैं उस यादृच्छिक। अब यहां पर महत्वपूर्ण शब्द आ गया है, यादृच्छिक यानी माना हुआ, जिसका अर्थ रूढ़ है। ऐसे ध्वनि संकेत जो होते हैं उसे भाषा कहते हैं। अब यह तीन बातें विचारणीय है, भाषा ध्वनि संकेत है, वह यादृच्छिक है, वह रूढ़ है। ऊपरी तौर पर हम इन तीन बातों को देख रहे हैं, वैसे भाषा की विशेषताएं आगे देखने ही वाले। भाषा ध्वनि संकेत है, विद्वानों ने जो अनुसंधान किया है या जो अपना चिंतन मनन रखा है कि वह ध्वनि संकेत है। अब ध्वनि संकेत यानी हर प्राणी, विश्व का हर प्राणी अपने मुख से कुछ न कुछ आवाज निकालता है। वह आवाजों को अर्थ का प्राप्त होता है यादृच्छिक, जब माना हुआ कोई अर्थ है, जैसे हिंदी में पानी, जल, पेड़, यह शब्द जब हम उच्चारित करते हैं तो इनका अर्थ सभी मनुष्य प्राणियों ने एक लिया होता है, सभी अर्थात जो हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं वह।
हर एक भाषा के अपने संकेत है। अंग्रेजी के अपने संकेत है, उर्दू भाषा के अपने संकेत है, हिंदी भाषा के अपने संकेत है, तो मराठी भाषा के भी अपने संकेत है, वह यादृच्छिक है। संकेत यहाँ पर मनुष्यों द्वारा उच्चारित ध्वनि, वह संकेत एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, पर उनका जो अर्थ माना हुआ है वह यादृच्छिक है और वह रूढ़ है। रूढ़ है अर्थात वह परंपरा से चला आया है। यानी संस्कृत भाषा के अपने शब्द उनका अर्थ रूढ़ है, वह कई युगों से माना जा रहा है, वह अर्थ वैसे के वैसे ग्रहण होता है, भाषा बदलती रहती है और वह रूढ़ संकेत भी आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम भाषा की ही विशेषता है। पहला, परिभाषा के आधार पर हमने यादृच्छिकता देखी थी जिसका अर्थ है माना हुआ। यहां मानने का अर्थ व्यक्ति द्वारा नहीं वरन एक समुदाय द्वारा माना हुआ। एक समुदाय अपने भाव वस्तु को शब्दों का आधार बना लेता है और उसके भाव में कोई संबंध अर्थ रहता है और वह संबंध अपने इच्छा अनुसार है और वह रूढ़ हो जाता है। भाषा में यह यादृच्छिकता शब्द और व्याकरण दोनों रूपों में मिलती है। अतः यादृच्छिकता भाषा का महत्वपूर्ण जो है विशेषता है। दूसरी विशेषता है सृजनात्मकता। अब मानवीय भाषा की मूलभूत विशेषता उसकी सृजनात्मकता है, जिसे अंग्रेजी में क्रिएटिविटी कहा जाता है। मनुष्य शब्दों में, अर्थों में नए नए प्रयोग करता है और इन प्रयोगों से वह भाषा आगे बढ़ती है, उसका वहन होता है, सृजन होता है और यह एक विशेषता भाषा की है। अनुकरण ग्राह्यता। अनुकरण ग्राह्यता, मानवेतर प्राणियों की भाषा जन्मजात होती है, अर्थात अनुकरण। यहां पर मानवीय भाषा जन्मजात नहीं होती है, यह महत्वपूर्ण है। अनुग्राह्यता, अन्य प्राणी अपने ही भाषा, यानी कुत्ता है या बैल है, भैंस है या कोई पंछी है, वह अपने जो आवाज है, ध्वनि है, वह अपने अनुवंश के अनुसार ही, अपने रूप के अनुसार ही वह आगे बढ़ाते हैं। परंतु मनुष्य की भाषा वह संकेत से सीखता है, धीरे धीरे वह समाज से, परिवार से ग्रहण करता है। अनुकरण ग्राह्य होने के कारण ही मनुष्य एक से अधिक भाषा सीखने में सक्षम है और यह अनुकरण ग्राह्य न होती तो मनुष्य जन्मजात भाषा तक ही सीमित रह सकती थी, यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता है परिवर्तनशीलता। मानव भाषा परिवर्तनशील होती है, वह शब्द दूसरे युग तक आते आते नया रूप ले लेते हैं। हम देखते हैं कि पुरानी हिंदी, नई हिंदी और अब तकनीकी युग की हिंदी, इसमें परिवर्तन आ गया है। यह भाषा का परिवर्तनशीलता का एक उदाहरण है। अगली विशेषता यह है विविधता। मानव भाषा विच्छेद्य है, यानी उसके जो घटक होते हैं या संरचना होती है वह अलग अलग विच्छेद में भी हम उसे दिखा सकते हैं। ध्वनि से शब्द, शब्द से वाक्य, यह विच्छेद्य घटक होते हैं। इस प्रकार अनेक इकाइयों का योग होने के कारण मानव भाषा को विविक्त कहा जाता है। इसी के साथ द्वैतता, भूमिकाओं की पारस्परिक परिवर्तन, अंतरणता, असहज रुक्तिकता आदि विशेषताएं भी भाषा की बताई गई है। इस प्रकार भाषा की यह विशेषताएं होने के कारण वह अन्य प्राणियों से
मनुष्य अलग है। अब इस भाषा के भी तीन प्रकार है। जब मनुष्य अपनी वाचन क्षमता, श्रवण क्षमता और लेखन क्षमता विकसित कर लेता है तो रूढ़ अर्थ में तीन भेद हो जाते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा यानी वह अपने मुख से जो भाषा समाज में बोलता है। अब भाषा ऐसा आधार है कि अनपढ़ व्यक्ति भी अपने परिवार से अगर वह भाषा सीखा है, समाज से सीखा है, तो बड़ी अच्छी विद्वत्तापूर्ण बातें करता है। यह एक उसका रूप हो गया। हम बोली भाषा के अंतर्गत भी इस रूप को देखते हैं मौखिक रूप से। दूसरा रूप है लिखित भाषा। देवनागरी या अन्य जो लिपियां है इसमें भी भाषा बद्ध हो जाती है और लिखित रूप भी सामने आ जाता है। यहां पर व्याकरणिक रूप प्रमुख बन जाता है, लिखित भाषा। तीसरी बन जाती है सांकेतिक भाषा। कुछ चिन्ह संकेत द्वारा भी भावों और विचारों का संवहन होता है, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। कहीं पर रंग हो, कुछ चिन्ह हो, कुछ प्रतीक हो, इनके द्वारा भी हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर देते हैं, यह सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा का प्रयोग आधुनिक युग में अधिक हो रहा है। जब संगणक का विकास हो गया है तो इससे कुछ बड़ी बात भी अगर आप मुस्कुराता चेहरा किसी को भेज देते हैं तो वह संकेत बहुत कुछ दे जाता है। यानी सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग आज हमें अधिक दिखाई दे रहा है। यह भाषा के तीन रूप बन गए हैं। आगे है भाषा के विविध रूप। भारत देश की बात करें या अपने राज्य की बात करें या अपने क्षेत्र की बात करें या अपने राजकाज की बात करें तो इन आधारों पर भी भाषा के विविध रूप प्रस्तुत होते हैं। पहली बन जाती है मातृभाषा। मनुष्य अपने परिवार से, अपने समाज से जिस भाषा को ग्रहण करता है, अपने विचार, अपने भाव, इनको अभिव्यक्त करने का जो साधन बना लेता है वह हो जाती है मातृभाषा। भारत का मानचित्र देखने पर, प्रांतिक रचना देखने पर हमें यह दिखाई देता है कि हर एक राज्य की अपनी अपनी मातृभाषा है। जैसे कि महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती। इस प्रकार से प्रांत के आधार पर, किसी प्रदेश के आधार पर भी मातृभाषा हमें दिखाई देती है। प्रादेशिक भाषा। प्रदेश यानी प्रादेशिक भाषा के अंतर में हम देखते हैं पूर्वीय हिंदी, पश्चिमी हिंदी, या किसी राज्य के अंतर्गत भी हम देख सकते हैं नागपुरी मराठी, विदर्भीय मराठी। ऐसी जो भाषाएं प्रादेशिक रूप में बन गई है वह भी प्रादेशिक भाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। और तीसरा भेद बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, अर्थात एक देश छोड़ने पर दूसरे देश में प्रचलित भाषा, उनके स्वरूप, वह संवाद का लेना देना, इन बातों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय भाषा का एक रूप होता है। अंग्रेजी को हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, वैसे ही जापानीज हो, चाइनीज हो, यह जो भाषा है यह अपने देश का प्रतिनिधित्व करती है, यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। राजभाषा। अब राजभाषा अपने देश के कामकाज की जो भाषा है, संविधान ने जिसे अधिकार दिए है वह राजभाषा कहलाती है। हिंदी भारत देश की राजभाषा है। मानक भाषा। राजभाषा, मानक भाषा, जिस भाषा को हम अपने राष्ट्र का चिन्ह, जैसे हम ध्वज को मान लेते हैं, किसी कमल के पुष्प को देश का प्रतीक मान लेते हैं, वैसे ही मान्यता प्राप्त किसी राज्य की हो, किसी देश की हो, वह मानक भाषा कहलाती है। जैसे मराठी मानक भाषा है, हिंदी मानक भाषा बन गई है। इस प्रकार से भाषा के यह विविध रूप हैं। अब
हम देखते हैं कि हर देश में भाषा के प्रमुख तीन रूप मिलते हैं। एक होती है बोलिया, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो मराठी की उपबोलियां कोंकणी हैं। अलग अलग बोली प्रांत पर हम जाते हैं तो वहां पर अलग अलग बोलियां दिखती है। परिनिष्ठित भाषा जिसे मान्यता दी गई है ऐसी भाषा, और राष्ट्र पूरे राष्ट्र की भाषा, यह तीन रूप भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। कुछ भाषा यानी व्यवहार के रूप में प्रयुक्त होती है, कुछ केवल किसी छोटे समुदाय द्वारा अपने दैनंदिन जीवन के कामकाज को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती है। यह एक भाषाओं का रूप है। अब भाषाओं का महत्व, हमने भाषा की परिभाषा देख ली कि जिसमें मानव मुख से उच्चारित ध्वनि प्रतीकों के वह यादृच्छिक संकेत जो रूढ़ है उसे भाषा कहते हैं। बाद में हमने देखा कि भाषा के विविध रूप है। मनुष्य बोलियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भाषा तक कैसे जाता है, मानक भाषा तक कैसे जाता है, ये उसके विविध रूप देख लिए। अब यह सब देखने के उपरांत इस भाषा का अपना एक महत्व है, जो महत्व मनुष्य के अपने वैयक्तिक आधार से प्रारंभ होकर वह विश्व पटल पर उभरता है। अब सबसे पहला इसका महत्व देखें तो भाषा भाव अभिव्यक्ति का साधन है। अगर कुछ पल के लिए हम सोचें कि यह भाषा न होती तो हम अपने भाव विचार कैसे अभिव्यक्त करते हैं? कुछ पल के लिए देखो, यानी मनुष्य जब विचार भी करता है मुझे गांव जाना है, मुझे यह कार्य करना है, तो उसके मस्तिष्क का आधार ही भाषा है। भाषा भाव अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन है। भाषा न होती तो मनुष्य आज तक जितना विकास किया है उतना न करता। हम देखते हैं पशु और मनुष्य में भाषा के कारण ही यह अंतर आया है। भाषा ही मानव विकास का मूलाधार है। मैंने अभी कहा कि मानव मस्तिष्क में अगर किसी विचार को भी धारण करना है तो भाषा जरूरी है। भाषा द्वारा वह अपने भाव, अपने मन मस्तिष्क, हृदय को स्थिर बनाता है। बुद्धि और हृदय इनका समन्वय करने के लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है। जब वह अपने विचारों को उच्चता आदर्श रूप में परिवर्तित करता है तो वह और ऊपर उठता है। इसलिए भाषा ही मानव विकास का मूलाधार है। भाषा मानव संस्कृति और सभ्यता की पहचान है। पहले हमने तुलना की है कि अन्य पशुओं में और मनुष्य में क्या अंतर है, तो अंतर है भाषा के आधार पर। संस्कृति बनाता है, सभ्यता बनाता है, अपने विचार है, अपने भाव है, उसके अनुसार वह रहता है, पहनता है, कुछ मकान बना लेता है, कुछ रंगों की द्वारा वह अपनी सभ्यता आगे बढ़ा देता है। यही संस्कृति का वहन भाषा कराती है। और महत्वपूर्ण बिंदु ही यह है कि विचार शक्ति का साधन है। जो हमने अभी तक देखा है इन सब में विचार शक्ति आई है। विचार शक्ति का साधन है, अरे मन मस्तिष्क को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा ही आधार है, और ज्ञान वहन करने के साधन भी भाषा है। आज हम देख रहे हैं कोई गांव में रहने वाला व्यक्ति, उसके पास बहुत अच्छे विचार है, वह अपने विचारों में कोई कहानी, नाटक, कविता भी अगर लिख देता है तो वह विश्व तक प्रचारित प्रसारित हो रही है। वजह क्या है? वह अनुवादित तो हो रही है। वह अपने भाव और विचारों को तो केवल अभिव्यक्त करता है, लिख देता है, और भाषा यह ज्ञान वहन करने का साधन ऐसे बन गया है, एक भाषा से दूसरे भाषा में, दूसरी भाषा से तीसरी भाषा में ज्ञान का वहन हो रहा है। इसलिए तो हम संस्कृत में लिखे हुए महान विचारों को आज देख रहे हैं, संस्कृत में लिखे हुए महाकाव्यों को पढ़ रहे हैं, केवल भाषा के कारण। और भाषा के वह लक्षण भी है कि वह समय समय पर परिवर्तित
होती है। इस प्रकार भाषा का महत्व, भाषा का स्वरूप, भाषा के रूप, इस पर हमने जो है ऊपरी तौर पर ही उसका रूप देखा हुआ है। और आगे बढ़ने के लिए हमें भाषा विज्ञान क्या है वह अगली तासिका में देखेंगे। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।